मैं जितेंद्र सिंह सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ जिला कांगड़ा का प्रधान हिमाचल न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे इस प्रेस वार्ता में आमंत्रित किया। साथियों, हमारी अनुबंध कर्मचारी महासंघ की एकमात्र मांग अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किए जाना है। साथियों, हम इस मांग के लिए प्रयासरत है, हमारा संगठन इस मांग के लिए प्रयासरत है। हमारे संगठन के जिला राज्य पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी से शिमला में भी इस मांग के रिगार्डिंग मिल चुके हैं। जिला कांगड़ा का संगठन सर्व अनुबंध कर्मचारी महासंघ का संगठन पालमपुर में मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पालमपुर में हमारी मांगों पर सकारात्मक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपकी मांग को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। हमारी मांग के रिगार्डिंग हम अपनी मांग के रिगार्डिंग विधानसभा अध्यक्ष श्री विपिन परमार जी से भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिला था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने हमारी मांग के रिगार्डिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी, उन्होंने भी हमारी मांग के रिगार्डिंग माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनके भी हम इस कार्य के लिए हम उनके ऋणी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कर्मचारी हितैषी हैं, माननीय कर्मचारी हितैषी हैं और उन्होंने कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बजट सत्र में अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से 2 वर्ष करेंगे, इसकी हमें उनसे पूरी उम्मीद है। हमारा संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे संगठन को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 6 मार्च को बजट सत्र में अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष घटाकर 2 वर्ष करेंगे और उसका वो लगभग 17,000 परिवारों को, लगभग 17,000 अनुबंध कर्मचारियों को वह नियमितीकरण का तोहफा देंगे। सर, आपका इस सरकार के इस उसमें आपका क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह अनुबंध कर्मचारियों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दे। रिगार्डिंग कोई बातचीत या कोई आश्वासन? हाँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मांग के रिगार्डिंग हम सरकार से मिले थे। हमारा जो हमारा राज्य कार्यकारिणी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से शिमला में मिला था, उन्होंने तभी आश्वासन दिया था सकारात्मक। और अभी मेरे नेतृत्व में पालमपुर में मिले थे और हमारे एक प्रतिनिधि मंडल विधानसभा उपाध्यक्ष से वहाँ पर मिले थे और लगभग हमारे मंडी टीम राकेश रानी जी से मिली थी और इसी तरह से लगभग सभी जिलों के कार्यकारिणी ने अपने लेवल पे सरकार से मिलकर वार्ता की है और सरकार ने हमें बोला कि वो सकारात्मक रुख है तो हम बजट सत्र में हम उम्मीद करते हैं। आप आशा करते हो कि इस बार में जो आपके इतने संघर्ष आपने पूर्ण किया है तो इस पे आपका रिजल्ट जो होगा, जो भी होगा, वो आपके फेवर में ही आने की कोशिश होगी? हाँ जी विनय जी, हम तो सरकार पर पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 17,000 परिवार सरकार पर पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनको मेरे जो 17,000 अनुबंध कर्मचारी हैं उन सभी को सरकार से उम्मीद है कि वो इस बजट सत्र में नियमितीकरण का तोहफा देंगे, अनुबंध कार्यकाल 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करेंगे। हम भी आशा करते हैं कि जयराम जी आपके उस पे करके चर्चा करके इसमें आगे प्रस्ताव पारित करें। थैंक यू सर, धन्यवाद आपके बेस्ट विशेस के लिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।